मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी कैसे हैं? मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सभी बेहतर होंगे। बहुत सारे बच्चे परेशान थे सर, कि समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करें। जब जब परीक्षा की आस जगती है तो, और जब जब परीक्षा देने की कवायद तेज होती है, तब कोरोना संक्रमण आ जाता है और हमारी हिम्मत को तोड़ देता है। वो तो हमें डराता ही है, साथ ही एग्ज़ाम की जो संभावना है उसको भी ख़त्म कर देता है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इस समय आपको मजबूत होने की ज़रूरत है। इस समय आपको आपके धैर्य की परीक्षा है, क्योंकि नॉर्मल सिचुएशंस में आपके धैर्य की परीक्षा नहीं होती है। जब आप संकट में होते हैं, आप किस तरह से चीज़ों को हैंडल करते हैं, वो आपकी जो नेतृत्व क्षमता है, वो आपकी जो धैर्य क्षमता है, उसकी परख की जाती है और वही व्यक्ति सफल होता है। ऐसे में मैं आपसे कहना चाहूँगा कि यदि परीक्षा कोरोना संक्रमण की वजह से नहीं हो पा रही है या रुकी हुई है, पोस्टपोन्ड है, तो आप उस आपदा को अवसर में बदलने की कोशिश कीजिए। चीज़ों में पॉजिटिव खोजिए, निगेटिव मत खोजिए, ठीक है? आपको कोरोना पॉजिटिव से डरना है, ना कि पॉजिटिव थॉट से डरना है, ठीक है? मतलब आपको बी पॉजिटिव इन टर्म्स ऑफ मेंटल फिटनेस, बी पॉजिटिव इन टर्म्स ऑफ योर थॉट्स, ओके? और आपको करना क्या है कि आपको सकारात्मक सोच रखनी है और जो टाइम मिला है उसको यूटिलाइज कीजिए। 100% सफलता आपको मिलेगी। यही बात है इंग्लिश में। माई डियर कैंडिडेट्स, हाउ आर यू? आई एम एक्सपेक्टिंग दैट यू विल बी फाइन। सो मैनी स्टूडेंट्स आर वरीड अबाउट द डेट ऑफ एग्जामिनेशन फॉर RRC ग्रुप डी एंड RRB NTPC 7th phase exam. दे आर वेरी वरीड एंड दे आर सो वरीड दैट देयर पैशंस लेवल हैज़ डिक्लाइंड अप टू ए मार्जिनल लेवल एंड दे आर रेगुलरली आस्किंग टू मी, सर इज़ देयर एनी पॉसिबिलिटी, इज़ देयर एनी पॉसिबिलिटी, वी आर लूजिंग आवर पैशंस, वी आर वेटिंग फॉर अ लॉन्गर टाइम फॉर दीज एग्जामिनेशंस। वंस अगेन आई एम टेलिंग यू, कीप पैशंस एंड वेट फॉर गुड टाइम टू कम। सर्टेनली द टाइम विल कम when you will give examination. Just convert these odd days into even by, you know, just keeping good thoughts, by keeping positive thoughts. Certainly the corona infections is at an alarming rate and corona cases at an alarming rate, but you have to be very aware, and keeping this awareness and keeping the patience, you have to prepare for examination. Main focus is to prepare for examinations. Whatever the time you are getting, just utilize this time to get success. Thank you.